मंजिलें मुझे छोड़ गईं तो रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। नमस्कार, इसी अच्छे सुविचार के साथ मैं आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी आकाश केबी में। आज के वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण द्वारा लिखित कुछ ऐसे सुविचारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके जीवन की समस्त बाधाएं सरल हो जाएंगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं आपको बहुत छोटी लगेगी और उनका समाधान आपको साफ दिखाई देगा अपनी आंखों के सामने। और मैं ये भी कहता हूँ कि वीडियो खत्म होते होते आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत रुचि और श्रद्धा बढ़ जाएगी और आप कमेंट सेक्शन में खुद जाकर लिखेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे रामा। तो इसी के साथ मैं वीडियो आरंभ करता हूँ, लेकिन उससे पहले विनम्रता पूर्वक मेरा ये अनुरोध है आपसे कि मेरा YouTube चैनल दी आकाश के भी अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ जिन्हें सुनकर जिन्हें देखकर आपका जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा। आपके जीवन के समस्त बाधाओं का कोई ना कोई समाधान आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा ही कर्म का धर्म से अधिक महत्व होता है, क्योंकि धर्म करके हमें भगवान से मांगना पड़ता है। परंतु यदि आपके कर्म ही अच्छे हैं तो भगवान स्वयं उसका फल देता है। श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार का भौतिक नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक ही रहती है और अंत में वह वस्तु लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो, फल हो या कोई वस्तु हो। श्री कृष्ण के अनुसार प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर जिस प्रकार फेंक देता है और नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये अनश्वर आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए हमें आत्मा द्वारा किसी शरीर को त्यागने पर दुखी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हमें उस आत्मा को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि वो अपने नए शरीर को धारण कर नई उपलब्धियां हासिल कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति और अवनति को प्राप्त करता है। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य ही करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में विभिन्न कलाएं होती हैं और इस कला में सबसे अच्छी और सबसे सर्वोच्च कला किसी के दिल में समा जाना या फिर उसके दिल को छू लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे जिस भाव से ग्रहण करते हैं मैं उसी भाव से उसी के अनुसार उन्हें फल देता हूँ। अर्थात जो मनुष्य या जो प्राणी श्री कृष्ण को जिस भाव से याद करता है, जिस भाव से उनकी भक्ति करता है, उसी भाव के अनुसार वो उन्हें फल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। अतः अहंकार किसी भी मनुष्य या प्राणी के लिए विष के समान होता है। कि विश्वास ना हो तो आप रावण, कौरव और कंस का भी हाल देख सकते हो। उन्होंने अपनी शक्तियों पर, अपने कीर्तिमानों पर इतना अहंकार किया कि वो भूल गए कि वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित होता है। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उपहार देना सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दो जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए उपहार सही समय पर
सही व्यक्ति को ही देना चाहिए। कृष्ण के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो आपकी श्वास हो या आपका वक्त हो। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य को समझना चाहिए। यूं तो एक पशु जब दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह घोर पाप होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिंदगी में हम कितने भी गलत हैं या कितने सही हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। पहला हमारी स्वयं की आत्मा और दूसरा वो परमात्मा जिससे इस संसार में कोई चीज छिपी नहीं हो रह सकती। श्री कृष्ण का कहना है कि हमारा ये शरीर रथ के समान होता है, बुद्धि सारथी और मन चालक होता है और इंद्रियां हमारे घोड़े के समान होते हैं। दुख और सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक चुंबक के समान होता है। जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर ही आकर्षित होगा और यदि हम परेशानी को सोचेंगे तो ये उसी की ओर आकर्षित होगा। अतः हमें सदा सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा और जब मन एकाग्र होगा तब वह कुशाग्र हो जाएगा, तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते होते हैं, पहला चिंता और दूसरा चिंतन। इन दोनों में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, परंतु इनका फर्क ऐसा है जो जिंदगी को बदल के रख देता है। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, लेकिन चिंतन में जीने वाले गिनती के सिर्फ दो चार ही होते हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान है। अब अंत में मैं बस यही कहूंगा कि आप चाहे लाखों रुपए इकट्ठा कर लें, परंतु अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में व्यक्ति प्राणी मनुष्य कुछ नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसी के साथ मैं दी आकाश के भी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसका कोई भी सुविचार, आपकी परेशानी को कोई समाधान हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त या आपको लगे कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है तो उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस वीडियो में कुछ ऐसे सुविचार हैं जो मनुष्य की परेशानियों का समाधान बन सकते हैं और उन्हें एक सफल जिंदगी की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल दी आकाश टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी के साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे रामा, कृष्णा कृष्णा हरे रामा।